नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जायका स्वाद में। आज जायका स्वाद किचन में हम बनाने जा रहे हैं छिलके वाली मूंग दाल के क्रिस्पी पकोड़े। ये देखिए, तो बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से तो बहुत सॉफ्ट है। कुछ नए तरीके से हम इन्हें बना रहे हैं। मूंग दाल की पकौड़ियाँ तो हम हमेशा ही बनाते हैं, पर इस तरीके से एक बार आप ट्राई करके देखिए। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करेंगे इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने छिलके वाली मूंग दाल ले ली है 1.5 कप। 1 कप और आधा कप छिलके वाली मूंग दाल है ये। इसे मैंने भिगो दिया, अच्छा 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसे भिगो दिया था। इसे अच्छे से धोकर साफ़ पानी से मैंने इसे 4 से 5 घंटों के लिए भिगो दिया था। अब ये भिगी हुई मूंग की दाल को मैंने चलनी में पानी निकालने के लिए रखा है। तो ये देखिए, अच्छे से भीग चुकी है ये दाल। अब इसे हमें एक ग्राइंडर में पीस लेना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी साबुत दाल हम साइड में निकाल लेंगे। साबुत दाल हम इन पकौड़ों में डालेंगे तो बहुत ही क्रंची टेस्ट आ जाता है, बहुत टेस्टी लगते हैं पकौड़े। तो इतनी मैंने थोड़ी सी दाल, एक कटोरी जितनी निकाल ली है, एक साइड में हम इसे रख देंगे। और एक ग्राइंडर जार में इसे दाल को डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें इसमें डाल लेना है। तो ये देखिए, इसे ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। इसे पीसते हुए हमें ध्यान रखना है, इसे दरदरा ही हमें पीसना है और इसे पल्स में घुमाना है मिक्सी जार को, ताकि ये दरदरा पीसा जाए। अभी देखिए, मैं इसे चम्मच से फेंट लूँगी। हमें तब तक फेंटना है जब तक कि ये बैटर फूल कर वाइट कलर का ना दिखने लगे, तब तक हमें इसे फेंटना है, ताकि पकौड़े जो है हमारे बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगे, इस तरीके से फ्लफी हो जाएंगे। तो आप चाहो तो चम्मच से या फिर हैंड बीटर से फेंट सकते हैं। मैं यहाँ पर हाथ से फेंट रही हूँ, ताकि हाथ से बहुत अच्छे से फेंटा जाता है। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से हम इसे फेंट लेंगे। ये देखिए, बैटर पूरा अच्छे से फेंट लिया है, वाइट कलर का दिखने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे साबुत दाल, ये इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें सभी चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ साबुत धनिया 2 टेबलस्पून जितना। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे काली मिर्च 10 से 15 या फिर 1 चम्मच जितना भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ले रही हूँ मैं साबुत जीरा 1 चम्मच। इन सभी को हमें हल्का सा भून लेना है। तो हम इसे रखेंगे गैस पर और इसे हल्का सा हम भून लेंगे। आप चाहो तो इसे ऐसे ही दरदरा पीस कर डाल सकते हैं, पर इसे हल्का सा भूनने से इसकी खुशबू और भी स्ट्रांग हो जाएंगी, तो ये टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, भून चुके अच्छे से। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे मिक्सी जार में दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में पीस कर इसमें डाल लिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमें दरदरा पीसना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक को भी हमें दरदरा कूट लेना है। तो ये देखिए, मैंने दरदरा इसे कूट कर लिया है। आप चाहो तो पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले लें। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने मीडियम कट किया है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे बेसन। बेसन यहाँ पर मैं 1/3 कप ले रही हूँ। बेसन से बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएंगी इसमें। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग ले लीजिए आप। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक ले लेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ढेर सारा हरा धनिया। हरे धनिए से तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बारीक कटा हरा धनिया डाल लिया है इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना हम यहाँ पर सोडा डाल रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सोडा डालकर। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इस बैटर के छोटे छोटे बॉल्स बनाना है, जो दिखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे और आप चाहो तो रफ शेप में भी बना सकते हैं इन्हें। तो ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम ये छोटे छोटे बॉल्स डाल देंगे। दिखने में भी अच्छे लगते हैं ऐसे बॉल्स। आप कोई भी शेप में बना लीजिए, बड़ों के शेप में भी बना सकते हैं, पकौड़ी के शेप में या फिर रफ शेप में आप फटाफट बना सकते हैं। पर यहाँ पर बॉल के शेप में मैं बना रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं।
तो ये देखिए मीडियम फ्लेम में मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है ताकि अच्छे से ये अंदर से भी सिक जाए पकोड़े। इस तरीके के पकोड़े बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इन्हें फ्राई करने के बाद। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, और बारिश के दिनों में तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल क्रंची पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इनके ऊपर मैंने हरी मिर्च भी तल कर डाली है। तली हुई हरी मिर्च पकौड़ों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। लग रहे हैं ना कितने टेस्टी पकौड़े, बहुत ही क्रंची बने हैं पकौड़े। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग भी इसे जल्दी से घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ऐसे पकौड़े। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ ऊपर से क्रंची और अंदर से कितने सॉफ्ट है ये पकौड़े। मूंग दाल के पकौड़े तो हम हमेशा ही बनाते हैं, पर इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कैसे बनते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए।